नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BTC Study Hub। साथियों, आज हम आप सभी के बीच BTC तृतीय सेमेस्टर एजुकेशन से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं सतत मूल्यांकन। शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के अनुभव एवं व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का समय समय पर मूल्यांकन करना ही सतत मूल्यांकन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अधिगम जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ठीक उसी प्रकार सतत मूल्यांकन जो होता है बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है और इसमें केवल संज्ञानात्मक जो है मूल्यांकन होता है, केवल एक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन में। सतत मूल्यांकन लिखित, मौखिक तथा अन्य क्रियाकलापों द्वारा संपन्न होता है। शैक्षिक मापन और मूल्यांकन की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है सतत मूल्यांकन। आइए जानते हैं सतत मूल्यांकन के स्वरूप। सतत मूल्यांकन के स्वरूप हैं सत्र परीक्षा, मासिक परीक्षा और सेमेस्टर पद्धति। इसमें एक स्वरूप और होता है जो है यूनिट अब साथियों जान लेते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बनता है परीक्षा में। परीक्षा में पूछता है कि सतत मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है या आप क्या समझते हैं, तो उसमें बस आपको नॉर्मल यही लिखना है कि शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के अनुभव एवं व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का समय समय पर मूल्यांकन करना ही सतत मूल्यांकन है तथा यह बालक के संज्ञानात्मक पक्ष का ही मूल्यांकन किया जाता है या होता है एक ही पक्ष का। आगे जान लेते हैं व्यापक मूल्यांकन। शिक्षण के दौरान बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना ही व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। जैसा कि सभी पक्षों का आशय है कि सतत मूल्यांकन में केवल संज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास किया जाता है, मतलब मूल्यांकन किया जाता है, और व्यापक मूल्यांकन में दो पक्ष और बढ़ जाते हैं जो हैं भावात्मक और कौशलात्मक। क्योंकि व्यापक का अर्थ ही है कि बहुत बड़ा या विस्तृत समझ लीजिए। व्यापक मूल्यांकन के पक्ष देखते हैं। पहला हेडिंग है संज्ञानात्मक विज्ञान। तो संज्ञानात्मक में देखते हैं क्या है, ज्ञान स्मरण, पुनः स्मरण की अवधारणा को मजबूत करना ही संज्ञानात्मक मूल्यांकन का काम है और इसी संदर्भ में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरी हेडिंग है भावात्मक। इसके अंतर्गत दया, करुणा, सत्यनिष्ठा और श्रद्धा भाव आदि का मूल्यांकन होता है तथा उसमें बच्चों का आकलन किया जाता है। तीसरी हेडिंग है कौशलात्मक। इसमें कार्यकुशलता, कार्य करने की क्षमता, रचनात्मक व क्रियात्मक प्रवृत्तियों की जांच होती है, इसी का मूल्यांकन किया जाता है तथा उसमें सुधार किया जाता है। परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं ये देख लेते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, और व्यापक मूल्यांकन में संज्ञानात्मक पक्ष का क्या महत्व है, तो आपको यही लिखना है कि संज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान स्मरण, पुनः स्मरण की अवधारणा आदि का मूल्यांकन होता है तथा उसमें जो त्रुटियां रहती हैं शिक्षक द्वारा सुधार की जाती हैं जिससे बालक अच्छी तरीके से सृजनशील हो सके। साथियों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर करें और जो प्रशिक्षु नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।